नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है सर्कुलर मोशन का है और अपने स्टडी मटेरियल में ये जो क्वेश्चन है वो आता है ना, बिल्कुल एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है और रिजल्ट भी वही है। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है अ पार्टिकल ऑफ मास एम इज फिक्स्ड टू वन एंड ऑफ ए लाइट स्प्रिंग हैविंग फोर्स कॉन्स्टेंट के एंड अनस्ट्रेच्ड लेंथ एल। तो मैं पहले डायग्राम बनाता हूँ, जैसे सपोज ये ब्लॉक है, इस स्प्रिंग से अटैच्ड है, स्प्रिंग का ये वाला एंड जो है वो फिक्स्ड है, इसका नेचुरल लेंथ जो है वो एल है, मतलब अनस्ट्रेच्ड लेंथ जो है वो एल है। कहा गया द अदर एंड इज फिक्स्ड, द सिस्टम इज गिवेन एन एंगुलर स्पीड ओमेगा अबाउट द फिक्स्ड एंड ऑफ द स्प्रिंग सच दैट इट रोटेट्स इन अ सर्किल इन ग्रेविटी फ्री स्पेस देन द स्ट्रेच इन द स्प्रिंग इज। कहने का मतलब ये है कि इसको कोई एंगुलर वेलोसिटी दिया गया, एंगुलर वेलोसिटी दिया गया इसका मतलब ये हुआ कि वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। सर्कुलर मोशन कर रहा होगा तो ऑब्वियसली कोई ना कोई फोर्स सेंटर की तरफ लगेगा, सेंटर की तरफ लगेगा, या ऐसे भी कह सकते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा तो इसमें थोड़ा सा इलोंगेशन होगा। मान लेते हैं कि इसमें एक्स इलोंगेशन हुआ तो ये जो ब्लॉक है वो एल प्लस एक्स रेडियस के सर्किल में घूमेगा, है ना। तो अंदर की तरफ स्प्रिंग फोर्स लगेगा के इंटू एक्स और इसकी वजह से इसको एक सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन मिलेगा ओमेगा स्क्वायर आर, जहां पर आर जो है वो रेडियस ऑफ सर्किल है जो एल प्लस एक्स के इक्वल होगा, है ना। तो इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे कि ये जो के एक्स फोर्स है वो एक्चुअली में सेंट्रिपिटल फोर्स है, तो के एक्स सेंट्रिपिटल फोर्स है जिसकी वजह से इसको एक्सेलरेशन मिल रहा है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास इंटू जो एक्सेलरेशन है उसमें आर के जगह पर हम लोग रखेंगे एल प्लस एक्स, या इसको सेपरेट करते हैं एम ओमेगा स्क्वायर एल प्लस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, इसको उधर ले जाते हैं क्योंकि हमें इसमें एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, इसमें कितना एक्सटेंशन हुआ है कितना स्ट्रेच हुआ है वो फाइंड करना है एक्स, तो इस एक्स को उधर ले जाएंगे तो आएगा के एक्स माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर एल। तो इसमें से अगर एक्स कॉमन लेंगे तो आएगा के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर एल। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू जो है हम लोग फाइंड कर सकते हैं एम ओमेगा स्क्वायर एल डिवाइडेड बाई के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर आप सोचेंगे कि मैंने एम जी क्यों नहीं लिया, नीचे एम जी भी लग सकता था, लेकिन ये कहा गया कि ये ग्रेविटी फ्री स्पेस में रोटेट कर रहा है ना, और इसी वजह से एम जी को हमने कंसीडर नहीं किया, जो भी है केवल स्प्रिंग फोर्स है या हॉरिजॉन्टल सर्किल में ब्लॉक जो है वो घूम रहा होगा। तो जो इलोंगेशन आया है वो ये आया है एम ओमेगा स्क्वायर एल बाई के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर, ठीक। तो देखेंगे कि ये वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन में दिया गया है एम ओमेगा स्क्वायर एल बाई के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर, तो ये करेक्ट ऑप्शन है।